क्रिकेट ने भारत में दूसरे खेलों को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया है। कोई भी दूसरा खेल क्रिकेट जितना लोकप्रिय नहीं है। क्रिकेट अब भारत में खेले जाने वाला सबसे लोकप्रिय खेल है। क्रिकेट लगभग देश की हर सड़क पर खेला जाता है। लगभग हर इंसान क्रिकेट खेलता है या क्रिकेट मैच देखने का शौक रखता है, चाहे इंसान कितना भी बिजी क्यों ना हो। अगर इंडिया का मैच चल रहा होगा तो वो एक चीज जरूर पूछेगा, भाई स्कोर क्या हुआ है। भारत में ये सिर्फ एक खेल नहीं है, क्रिकेट हमारे देश में एक जुनून, नशे और धर्म की तरह है, और इसीलिए शायद हम इस खेल में एक सुपर पावर महाशक्ति हैं। आप आईपीएल का एग्जांपल ले सकते हैं कि साल के दो सबसे गर्मी वाले महीने में दुनिया भर के क्रिकेटर आईपीएल खेलते हैं भारत में। ये पिक्चर इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो को स्टार्ट करने से पहले क्रिकेट के भगवान के दर्शन हो जाएंगे तो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन क्रिकेट के बारे में, उसके रेवेन्यू के बारे में, आईपीएल के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में, न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में, और सबसे बड़ी चीज कि कैसे क्रिकेट भारत की अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी को बूस्ट करता है और बेनिफिट पहुंचाता है। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। इंडियन क्रिकेट टीम, जिसे टीम इंडिया और मैन इन ब्लू के नाम से भी जाना जाता है, जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के द्वारा चलता है। इंडियन क्रिकेट टीम ने अपना पहला टेस्ट मैच 25 जून 1932 को लॉर्ड्स में खेला था। वह टेस्ट क्रिकेट का दर्जा पाने वाली छठी टीम बन गया था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के अपने पहले 5 वर्षों में भारत कमजोर टीमों में से एक था। उस दौरान उन्होंने खेले गए 196 टेस्ट मैचों में केवल 35 में जीत दर्ज की थी। 1932 से भारत को अपनी पहली टेस्ट जीत दर्ज करने के लिए लगभग 20 सालों का इंतजार करना पड़ा था और 1952 में भारत को पहली जीत मिली थी। भारत ने 2 बार क्रिकेट विश्व कप जीता है, 1983 में कपिल देव की कप्तानी में और 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में, और एक बार T20 वर्ल्ड कप जीता है महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टेंसी में। दोस्तों आपको शायद पता नहीं होगा कि भारत के पहले क्रिकेटर का नाम क्या था। आपने रणजी ट्रॉफी के बारे में तो सुना ही होगा जो हर साल खेली जाती है। रणजी ट्रॉफी जिस इंसान के नाम पर खेली जाती है उसका नाम रणजीत सिंह था। रणजीत सिंह भारत के पहले क्रिकेटर थे। रणजीत सिंह ने अपना पहला मैच इंग्लैंड की तरफ से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था 1896 में। बीसीसीआई इंडिया की रिचेस्ट स्पोर्टिंग बॉडी है और रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है दुनिया की। बीसीसीआई फाइनेंस के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे डिपेंड नहीं है। 12 सितंबर 2006 को बीसीसीआई ने अनाउंस किया था कि वो 1600 करोड़ रुपए खर्च करेगी क्रिकेट स्टेडियम को अपग्रेड करने के लिए और न्यू स्टेडियम को बनाने के लिए। इस टाइम इंडिया के पास 52 इंटरनेशनल स्टेडियम है, जो कि सेकेंड पोजिशन होल्ड करने वाले इंग्लैंड से 29 स्टेडियम ज्यादा है। इंग्लैंड के पास 23 इंटरनेशनल स्टेडियम है। भारत के पास 22 एक्टिव स्टेडियम है जिसमें कभी भी मैच हो सकते हैं। बीसीसीआई का एक साल का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 4 पार्ट में डिवाइड होता है। ग्रेड ए प्लस वाले प्लेयर को 7 करोड़ रुपए मिलता है सालाना, ग्रेड ए वाले को 5 करोड़, ग्रेड बी वाले को 3 करोड़ और ग्रेड सी वाले प्लेयर को 1 करोड़ रुपए मिलता है। मैच फीस की बात की जाए तो टेस्ट मैच के लिए 15 लाख रुपए मिलता है, वनडे के लिए 6 लाख और T20 के लिए 3 लाख रुपए मिलता है पर मैच में 2019 में। इंडियन क्रिकेट टीम के ऑफिशियल किट स्पॉन्सर राइट 5 साल के लिए नाइक ने ले लिए हैं 370 करोड़ रुपए में, लगभग $51 मिलियन। ऑफिशियल स्पॉन्सर राइट 5 साल के लिए ओप्पो ने ले लिए हैं 1079 करोड़ रुपीज में, लगभग $150 मिलियन। मीडिया राइट 5 साल के लिए जी टेलीफिल्म्स ने ले लिए हैं $219 मिलियन में, जो कि सिर्फ 25 न्यूट्रल वेन्यू वनडे मैचेस के लिए। आईपीएल, दोस्तों आपने बहुत सा वीडियो देखा होगा आईपीएल पर, जैसे कौन सी टीम सबसे ज्यादा महंगी है, इस साल का सबसे महंगा प्लेयर कौन है वगैरह वगैरह। इस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं बताया जाएगा, पर जो बताने जा रहा हूँ शायद कुछ जगह आप शॉक्ड हो जाए। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने धूम धड़ाके से आईपीएल की शुरुआत सितंबर 2007 में की। T20 के प्रति बीसीसीआई का प्रेम उस समय जाग गया जब भारत ने 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीता। भारत में वैसे भी क्रिकेट का अलग ही मुकाम है और इस जीत के बाद T20 क्रिकेट की पॉपुलैरिटी भारत में बढ़ने लगी। बीसीसीआई ने इस लोकप्रियता को बेकार न जाने दिया और शुरुआत हुई आईपीएल की। फर्स्ट सीजन स्टार्ट हुआ अप्रैल 2008 में। आईपीएल के ग्लोबल मीडिया राइट्स की बात करें तो स्टार इंडिया ने 16,347 करोड़ रुपए में खरीदा है 2018 से 2022 तक के लिए,
लगभग 2.3 बिलियन डॉलर। उसके बाद स्टार स्पोर्ट ने एक और डील की बीसीसीआई से कि इंडिया की होम क्रिकेट सीरीज साथ में डोमेस्टिक टूर्नामेंट को दिखाने के लिए 6138 करोड़ रुपए दिए। मैच के दौरान स्टार स्पोर्ट ने एडवर्टीजमेंट दिखाने के लिए 10 सेकंड की प्राइस 10 लाख रुपए रखी। 2016 में आईपीएल ने 160 करोड़ रुपए की रेवेन्यू जनरेट की थी सिर्फ टिकट कलेक्शन से, जिसमें से बेंगलोर से 25 करोड़, मुंबई से 24 करोड़ और दिल्ली से 22 करोड़ रुपए कमाए थे। बीसीसीआई आईपीएल से 2016 में 1716 करोड़ रुपए का प्रॉफिट अर्न किया था, जो कि 2018 में ये बढ़कर 2017 करोड़ रुपए हो गया। आईपीएल की स्पॉन्सरशिप की बात करें तो 2008 से 2012 के लिए डीएलएफ ने 200 करोड़ रुपए दिए थे, 2013 से 2015 तक के लिए पेप्सी ने 238 करोड़, वीवो ने 2016 से 17 के लिए 190 करोड़, फिर वीवो ने 2018 से 2022 के लिए 2199 करोड़ रुपए दिए हैं। आईपीएल की ब्रांड वैल्यू की बात की जाए तो वो 2016 में 4.16 बिलियन डॉलर थी, 2017 में यह बढ़कर 5.3 बिलियन डॉलर हो गई और 2018 में यह बढ़कर 6.13 बिलियन डॉलर की हो गई। वर्ल्ड की टॉप लीग इन एवरेज अटेंडेंस की बात करें तो आईपीएल की रैंक उसमें 7 है। एशिया में तो नंबर वन लीग है आईपीएल एवरेज अटेंडेंस में, और कोई स्पोर्ट्स की लीग या क्रिकेट की लीग है ही नहीं। प्राइस मनी की बात की जाए तो आईपीएल जीतने वाली टीम को 15 करोड़ रुपए मिलता है, जो सेकंड पोजीशन पे आती है उसको 10 करोड़, थर्ड और फोर्थ पोजीशन वाली टीम को 7.5 करोड़ रुपए मिलता है। मर्चेंडाइजिंग की बात की जाए तो 2016 में इंडियन रिटेल सेल ने लाइसेंस प्रोडक्ट बेचा था 1.4 बिलियन डॉलर का, जिसमें से 18 मिलियन डॉलर तो स्पोर्ट्स मर्चेंडाइजिंग था, जिसमें टी शर्ट, कैप और वॉचेस इंक्लूडेड थे। 2015 में बीसीसीआई ने एक रिपोर्ट निकाली कि आईपीएल ने लगभग 1150 करोड़ रुपए कंट्रीब्यूट किया है इंडिया की जीडीपी पे। आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ। आईपीएल में जो मर्चेंडाइज प्रोडक्ट जैसे कि टी शर्ट, जर्सी, कैप, वॉचेस सब लाइसेंस प्रोडक्ट होते हैं, सब पे टैक्स लगा होता है। टिकट पे टैक्स लगा होता है, मैच के दौरान आप कोई भी फूड प्रोडक्ट खरीदते हैं उस पे भी टैक्स लगा होता है, स्पॉन्सरशिप में भी टैक्स लगा होता है, मीडिया राइट्स पे भी लगा होता है, सब पे कुछ ना कुछ टैक्स लगा होता है और उसका सीधा फायदा देश को होता है। क्रिकेट मैचेस से टूरिज्म सेक्टर पे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। आईपीएल के टाइम इंडिया में ट्रेवलर की संख्या 30% तक बढ़ जाती है, वो इसलिए क्योंकि लोग घूमने के साथ साथ मैच भी देख सकते हैं। कई बार लोग खास तौर से मैच के दौरान टूर प्लान करते हैं, इस कारण मैच देखने वाले शहरों के आसपास की जगहों में लोगों की संख्या बढ़ जाती है। मैचेस के चलते होटल बुकिंग की डिमांड बढ़ जाती है और वीकेंड्स में तो पूछे ही मत। इन सब के चलते होटल बिजनेस और हॉस्पिटैलिटी में इंडिया बहुत ग्रो कर रहा है। क्रिकेट मैचेस के दौरान बहुत सी इम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, मैं एंकर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जैसे मेकअप आर्टिस्ट, कैमरामैन, ग्राउंड्समैन, प्राइवेट सिक्योरिटी, ड्राइवर्स वगैरह वगैरह। साथ में बहुत से स्मॉल स्केल बिजनेस को भी फायदा पहुँचता है। जब लोग ट्रैवल करते हैं तो होटल में रुकते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो उससे वहाँ के लोकल और स्मॉल बिजनेसेस को फायदा ही पहुँचता है। क्रिकेट से बहुत से न्यू बिजनेस और स्टार्टअप भी स्टार्ट हुए हैं, जैसे कि बेंगलोर बेस्ड कंपनी स्पेक्टाकॉम टेक्नोलॉजी, जिसके फाउंडर अनिल कुंबले हैं, अहमदाबाद बेस्ड क्रिक हीरोज, चेन्नई बेस्ड रोना सॉफ्टवेयर, क्लियो और भी बहुत सी कंपनी स्टार्ट हुई हैं। इससे बहुत से लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिला है। देखा जाए तो क्रिकेट के चलते लोग गरीबी से भी बाहर आते हैं। आईपीएल ने बहुत से गरीब और मिडिल क्लास प्लेयर को अमीर बनाया है, चाहे वो देश का हो या देश के बाहर का हो। क्रिकेट के चलते हमारे क्रिकेटर इतने रईस हो गए हैं कि वो खुद के ब्रांड्स निकालने लगे हैं, जिससे बहुत से लोगों को एम्प्लॉयमेंट ही मिलती है और साथ में देश को फायदा ही पहुंचता है। इससे एक चीज तो क्लियर होती है कि क्रिकेट से इंडिया को फायदा ही फायदा है। बाहर की कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करती हैं, स्मॉल बिजनेस को भी फायदा पहुंचता है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है, न्यू बिजनेस भी फॉर्म होने लगते हैं। पर एक चीज समझ में नहीं आती, जब क्रिकेट से इंडियन इकोनॉमी को इतना फायदा पहुंचता है तो आईपीएल के दो सीजन को देश के बाहर क्यों खिलाया गया? 2009 में जनरल इलेक्शन के टाइम आईपीएल साउथ अफ्रीका में हुआ था, क्योंकि उस टाइम के गवर्नमेंट ने कहा था कि हम इलेक्शन के दौरान प्लेयर को सिक्योरिटी नहीं दे सकते। उस साल हमारे देश के मीडिया हाउसेस को 50 करोड़ से 70 करोड़ तक का नुकसान हुआ था। साथ में टूरिज्म सेक्टर पे भी इम्पैक्ट पड़ा था। 2014 के इलेक्शन में भी यही हुआ, आईपीएल को यूएई शिफ्ट कर दिया गया। आईपीएल ने तो यूएई की इकोनॉमी तक को बूस्ट कर दिया। 275 मिलियन दिरहम सिर्फ 20 मैचेस में यूएई ने कमा लिए थे। पर 2019 में आईपीएल और इलेक्शन साथ में हुए,
सोचने वाली बात है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर कीजिए, पर हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।